हूँ रामल और ड्रॉनिकर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो मेरे पास अभी डीजे का फैंटम 4 प्रो प्लस एडवांस। तो आज हम करने वाले हैं एक नई चीज, और ये चैनल नए हो तो मेरे चैनल को कर दो सब्सक्राइब और इसी तरह के वीडियो लाऊंगा मैं। लेकिन हम बात करने वाले हमारे जो प्यारा सा ड्रोन है उसके अगर हम उसको अगर हम मैक्सिमम स्पीड पे लेके जाते हैं, ऊपर लेके जाते हैं, मान लो ऊपर लेके जाते हैं और हमारी स्पीड घुली हुई है 1000 मीटर, 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर घुली हुई, और 1 किलोमीटर से ऊपर अपन ड्रोन को लेके जाते हैं तो वो नहीं जाता। लेकिन हम वो देखेंगे कि 2 किलोमीटर कैसे जाता है ड्रोन, और ऐसे जैसे 1 किलोमीटर खुली हुई मेरी तो 6 किलोमीटर कैसे जाता है, 7 किलोमीटर कैसे जाता है। इस ड्रोन की रेंज है 7 किलोमीटर। तो हमने अभी क्या किया है, मैक्सिमम ऊपर 500 मीटर तक रखी है और ऐसे हमने रखी है ओनली फॉर 3000 किलोमीटर, मतलब 3000 मीटर मतलब 3 किलोमीटर तक ऐसे ड्रोन जा सकता है नॉन स्टॉप, और वो भी 19 या 20 की स्पीड पे जाते। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ वो स्पीड हम कैसे चेक करें, हमारी स्पीड कैसी है अभी। तो सो फ्रेंड, ये आप देखो कि हमारा जो रिमोट कंट्रोलर है उस पर हम वो स्पीड कैसे घोल सकते हैं, मेरे ड्रोन की स्पीड या मेरे ड्रोन की जो रेंज है वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर 3 बटन दिख रहे हैं वहाँ पे हम क्लिक करेंगे। तो सबसे टॉप वाला ये है, उस पर हम क्लिक करेंगे। तो गाइस आपको ये बता रहा है मैक्सिमम एटीट्यूड, ठीक है, और मैक्सिमम एटीट्यूड यानी ड्रोन ऊपर की साइड मेरा जा सकता है 1400 फिट, 1400 फिट मतलब 1640 फीट है, लेकिन इसको हम बोलेंगे 1640 फीट या फिर 1640 मीटर, यानी 1 किलोमीटर और 600 मीटर समथिंग ये ड्रोन ऊपर जा सकता है। लेकिन मेरी खोली हुई है अभी ओनली फॉर 500, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, मैं 1000 कर देता हूँ मेरे हिसाब से। तो 1000 होती है या नहीं, क्योंकि ये कुछ प्रॉब्लम बता रहा है मेरे यहाँ पे। ओके ओके ओके, और इसमें है खोली हुई है 3000, इसको हम कम कर देते हैं, एक बार कम करके देखते हैं होता है नहीं, 2000 करते हैं तो भी ओके, ये हो गई 2000 की, और इसको कर देते हैं हम 209, 2000 का हो रहा है, इसको हम कर देते हैं नहीं 400 कर देते हैं, ये हो गई हमारी 400 ओके। अब ये ड्रोन क्या करेगा, ओनली फॉर है ना 400 फीट फिर जाएगा ऊपर, और 2000 फीट पे ऊपर जाके या फिर दूर जाके रुक जाएगा, तो उससे आगे ये नहीं जाएगा। इसका मतलब ये है कि ड्रोन हमारे रेंज में रहेगा, बाहर की साइड नहीं जाएगा, इसका जो भी कंट्रोलर ड्रोन से है वो डिस्कनेक्ट नहीं होगा। बाई चांस अगर ड्रोन चला भी जाए ना तो ये वापस आ सकता है, ऐसा मेरा हुआ हुआ है, बहुत बार हुआ है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसकी स्पीड जो भी है ना वापस सेट कर देते हैं। तो वापस सेट ऐसे ही करते हैं, यहाँ पे 400 थी तो मैं कर देता हूँ वापस 500 ओके, और यहाँ कर देता हूँ 3000 फीट ओके। तो हमारी जो भी है सेटिंग वापस प्रॉपर तरीके से हो गई है। तो गाइस आपको कैसा लगा ये वीडियो मैंने बनाया और इसके बारे में बताया। तो फ्रेंड मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और भी इसी तरह के वीडियो आएंगे हमारे इस चैनल में। तो गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके टाटा बाय बाय।